यहाँ आमंत्रित आमंत्रण देने का और निमंत्रण देने का सम्मान किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है, मुझे पता है कि एक्टर्स स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं बोलते हुए, और वो भी दूसरे लोगों के डायलॉग, हमारे अपने डायलॉग नहीं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब मुझे इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो चूँकि थोड़ा ये एक दो महीने काफ़ी बिजी चल रहे हैं मेरे और हमारी पूरी टीम के, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो क्या बोलूँ कि निकल जाऊँ उससे, कि नहीं आना पड़े। मैं ये सोच रही थी कि क्या एक्सक्यूज़ दूँ कि मैं शूटिंग पे हूँ या मैं बॉम्बे में नहीं हूँ या मैं क्या, मतलब क्या ये सफाई दूँ कि आने की जरूरत ना पड़े। और फिर एक इनके इन्होंने ईमेल में लिंक था जो फिल्म आप लोगों ने आपके संस्थान पर बनाई है, सेकेंड चांस आई थिंक, और वो फिल्म देखी मैंने यूट्यूब पे, और मतलब आप लोगों की कहानी है, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई अपने ऊपर कि मैं ये सोच भी रही थी कि मैं कैसे मना करूँ या क्या एक्सक्यूज दूँ, क्योंकि यू नो हम लोग हम एक्टर्स जो हैं, जो स्टार बनने के और सेलिब्रिटी और बड़े सेलिब्रिटी और सलमान खान और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बनने के चक्कर में हैं, हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये हम करते कैसे हैं, ये हम आप सब की कहानी बताकर किस जरिए करते हैं, और आप सब और हम सब मतलब हमारे समाज में जो लोग मेहनतकश हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानी हम, जो इंसान सफल है, सफलता की कहानी में कोई कहानी नहीं है, कहानी हमेशा कोशिश की होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मैं आपने तो सवाल पूछे हैं मुझसे, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, किसी दिन बन जाऊँगी शायद, और तो आप लोग वोट देना मुझे, लेकिन लेकिन अभी मैं अगर ठीक है तो मैं कम बोलूँ, और कुछ सवाल अगर आप लोग करना चाहें या आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो एक ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन बन जाएगा। लेकिन आप अगर इनके इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं वो डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप सब को कुछ बात शेयर करनी है या कुछ सवाल है तो पहले आपके सवाल ही 10 मिनट दे रहे हैं। किसी का कुछ नहीं पूछना, ऐसे चौंक मत करो यार। ये भी सोचा था कि दिमाग लगाना पड़ेगा। Well, मैं बहुत ही एक आम सी लड़की हूँ अभी भी। मैं बेसिकली कॉलेज में पढ़ रही थी JNU में, और मैं जैसे हम आई थिंक इंडिया में 99% लोग बेसिकली सिनेमा के फैंस हैं, और अगर सबसे पूछे कि यार अगर तुम्हें कोई एक मतलब कोई जिन आ जाए और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे तो क्या होगा, मुझे लगता है 99% लोग बोलेंगे हीरो बनना है या हीरोइन बनना है। तो मैं भी ऐसी थी, मेरा बचपन चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला देखते हुए गुजरा, क्योंकि हमारे घर में केबल अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं जिस घर टी वी देखती रहती थी, तो मेरी बचपन की तमन्ना थी कि मैं चित्रहार में आऊँ। फिर मैं भूल गई और ये सब, और फिर जब मैं JNU में थी तो मुझे लगा कि यार एक तो अगर हीरोइन बनना है तो हम लोगों के लिए उम्र का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब तक लोग बाल समय रोटेट ना हो तब तक आप जब तक आप लग रहे हो कि आप 25 के हो तब तक आपका काम चल जाता है। तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी में जब तक कोशिश नहीं करोगे तो रिजेक्ट भी नहीं होगे, और मुझे हमेशा ये लगता है कि लाइफ में ना सबसे बुरी फीलिंग है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इफ, अगर वाली फीलिंग, अगर मैं क्योंकि ये कर देती, अगर मैं बोल देती कि मुझे उस लड़के से प्यार है तो क्या पता शादी हो जाती इससे, यू नो ये अगर वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत गंदी फीलिंग है। इससे बेटर है कि प्रपोज कर दो, रिजेक्ट हो जाओ, वो बेटर है ना। वो सब और बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि ओ हाँ अच्छा जी, तब अभी आगे बात करती हूँ आपसे। तो वो अगर वाली फीलिंग नहीं चाहिए थी मुझे लाइफ में, तो मैंने सोचा कि
यही मौका है जब मैं 21-22 साल की हूँ तो अभी चली जाती हूँ बॉम्बे. और बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है ना, जैसे फिल्मों में गांव से लोग डोरिया बिस्तरा बांध के वो बीटी पे आते हैं. और ये बॉम्बे सबसे पहली चीज़ जो अगर बाहर अगर बॉम्बे की नहीं हो तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ क्या दिखता है बॉम्बे में, टैक्सी काली मिली, सिर्फ काली मिली. तो मैं और मेरी दोस्त, उसको नौकरी लगी थी एक लॉयर है, वो भी काफ़ी सोशल जस्टिस की इशूज करती हैं, तीसरा से तलवार उनके साथ काम और नौकरी लगी थी उसकी. तो हम दोनों पहुँच गए बॉम्बे में गोरिया बस्तरा लेकर. और मेरी मम्मी पापा को लगा था कि लड़की की कभी शादी तो नहीं होगी, तो सारा दहेज और दहेज सारा सामान उनको देखना था. तो बहुत सामान है दो लड़कियाँ, ऐसे शुरू हुई थी मेरी बॉम्बे की जर्नी. और मैं किसी को नहीं जानती थी ना बॉम्बे में. ये पकड़ लेना होता है और उसे पहचान लेना होता है.
आपको एक ब्रेक मिल सकती है आपकी पहचान बनने के लिए, लेकिन आपको वो पहचान कायम रखनी पड़ती है। सलमान, शाहरुख, आमिर आज 25-26 साल के बाद वहाँ हैं जहाँ वो हैं। 25 साल उन्होंने काम किया है। सो ये एक्चुअली एक ब्रेक में हम सबको, जितने बड़े से बड़ा स्टार को बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है और जिंदगी और इंडस्ट्री चांस देती रहती है। तो मेरे लिए भी मुझे अच्छा चांस मिले, मैं अपनी हर फिल्म को एक चांस मानती हूँ। तो you have set benchmarks for yourself by doing roles in the Battey, Sannata,
thought from Swara Bhaskar for the next few years? सबसे पहले तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अनारकली ऑफ वैशाली जी आरा बिहार की एक बिहार का एक शहर है भैया लोगों का शहर है मैंने सुन के बोला हाँ मराठी मराठी में बोला इन्होंने बिहारी शहर का नहीं बोला करें अनारकली अनारकली आरा वाली एक्चुअली उसका नाम है अनारकली ऑफ आरा ये 24 मार्च को आ रही है फिल्म बहुत ही बेहतरीन और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आप सबको इन्वाइट करूँ वो फिल्म देखने के लिए मेरे साथ स्पेशली जितने अफकोर्स जितनी लड़कियां हैं लेकिन डेफिनेटली जितने लड़के हैं उन सबको आना होगा सीटी बजाने के लिए नहीं आप आए हमें सीटी बजानी चाहिए आपसे तो अनारकली वाला आ गया नेक्स्ट उसके बाद मेरी एक और फिल्म है आपके कमरे में कोई रहता है बहुत ही फनी कॉमेडी सी फिल्म है और उसके बाद मैं करीना कपूर सोनम कपूर मैं और शिखा करके एक थिएटर की एक्ट्रेस है हम चारों धीरे धीरे बड़ी करके एक फिल्म में आ रहे हैं तो वो और आई होप आगे और काम आते रहे एंड आई होप कि कभी लाइफ में मैं एक्चुअली आप सबसे प्रेरित होकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल के कुछ यू नो और भी काम कर पाऊँ Well, I would like to say a very, very hearty congratulations and kudos to Yuva Parivartan and the work they do. I think that as actors, we portray the stories of heroes and heroines on screen. I think that these are people who are real life heroes and heroines who are doing genuinely heroic work. This is the work of transforming India. And what better form of patriotism can there be than to actually do something constructive to better the lives of the people of our country? And they have released one video called a second chance. Yeah. मैंने देखा इनका जो सेकेंड चांस वाला वीडियो है फिल्म है बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है और मुझे लगता है कि जिंदगी सबको हमेशा सेकेंड चांस देती है बस आपको उतना सतर्क रहना होता है कि आप उस सेकेंड चांस को पहचानें और उस अवसर को ग्रैब कर लें मैम स्टूडेंट्स और बहुत जन को इंस्पिरेशन मिली आपसे शवाना आजमी और स्मिता पाटिल के बाद आपका नाम लिया गया तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कान पकड़ने का मन कर रहा है आई थिंक कि मुझे हमेशा लगता है कि हम परिणाम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है लेकिन अपनी कोशिश पे कंट्रोल होता है और वो एक सेइंग है ना कि कोशिश करने पे खुदा भी मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत सच है लाइफ में एंड दैट्स द ओनली थिंग आई गो बाय सो मुझे वो यादें ताज़ा हुई बार बार मुझे लग रहा था कि अब बोलना बंद कर दो क्योंकि लोग जब स्टेज के उस तरफ होते हैं तो यू नो ये जो माइक पकड़ के अपनी बातें अच्छा लगता है जब आप उस तरफ होते हैं तो लगता है कि ताली बजा दो बंद कर दो इनको जी अनारकली ऑफ आरा मेरी फिल्म आने वाली फिल्म है 24 मार्च को आ रही है बहुत ही खूबसूरत और ब्रेव फिल्म है एंटरटेनिंग भी है कमर्शियल भी है लेकिन एक बहुत ही सही मुद्दा भी है उसमें और एक बहुत अच्छी बात कहती है फिल्म तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस फिल्म को थैंक यू